सलाम आ रही हैं डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर इंग्लिश की तैयारी के लिए हमने जो लेक्चर्स का आगाज किया है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच को। फिगर्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो स्पेशल इफेक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और अ फ्रेज यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। उसकी खूबी ये होती है कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं और लैंग्वेज दैट हैज अदर मीनिंग देन इट्स नॉर्मल मीनिंग, यानी जो डिक्शनरी के मीनिंग्स हैं या जो नॉर्मल मीनिंग्स हैं उन मीनिंग से हट के फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो मीनिंग्स यूज कर रहे होते हैं। और ये मीनिंग्स जो हैं ये इम्प्लाइड मीनिंग्स होते हैं, सजेस्टेड मीनिंग्स होते हैं, ना कि नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग्स। फिगर्स ऑफ स्पीच में एक अपा ह्यूज पोर्शन ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की ब्यूटी जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच पे ही रिलाय कर रही होती है। तो लाइक अदर लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पोर्शन फिगर्स ऑफ स्पीच पे है और डेफिनेटली दीज फिगर्स ऑफ स्पीच मेक द लैंग्वेज मोर क्रिएटिव, मोर एक्सप्रेसिव एंड मोर इंटरेस्टिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फिगर्स ऑफ स्पीच। नंबर वन इज एलिग्री। एलिग्री को आप यूं समझें कि ये एक ऐसे डिवाइस है जिसमें एक ऐसी स्टोरी पेश की जाती है जिसके मीनिंग्स कुछ और होते हैं। लाइक सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, फिगर्स एंड इवेंट्स, एंड इट कैन बी एम्प्लॉयड इन प्रोज और पोएट्री टू टेल अ स्टोरी। कि ये कोई आइडिया हो सकता है, कोई प्रिंसिपल्स हो सकते हैं और उन्हें कैरेक्टर्स बना के, फिगर्स बना के इवेंट्स की सूरत में पेश कर दिया जाता है। ये प्रोज भी हो सकता है और ये पोएट्री भी हो सकता है। एन एलिग्री इज अ कंप्लीट नैरेटिव दैट इन्वॉल्व्स कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स दैट स्टैंड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर इवेंट। हमने पहले यही बात की और ये प्रोज और पोएट्री दोनों शक्लों में हो सकता है। मीनिंग्स कुछ और कन्वे करना चाह रहा होता है राइटर, कोई मॉरल मीनिंग्स हो सकते हैं, कोई रिलीजियस मीनिंग्स हो सकते हैं, वट एवर इट इज। तो कुछ चीज़ों को एलिग्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे सामने ये एग्जांपल है एनिमल फॉर्म की, जॉर्ज ऑरवेल का एक नावल है छोटा सा एनिमल फॉर्म। तो इसमें क्या है कि कुछ एनिमल्स हैं वो एक फार्म में रहते हैं और वो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये गरीब हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये बेहद गरीब हैं, ये बहुत आला तबके के हैं और ये रशियन सोसाइटी को रेवोल्यूशन के बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर जो है वो एनिमल्स के जरिए कुछ प्रिंसिपल जो है वो एक स्टोरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। फेरी क्वीन आपने पढ़ी है, एडमंड स्पेंसर की पोएम है, ठीक है। इट्स अ मॉरल एलिग्री, इट्स अ रिलीजियस एलिग्री। इसमें करेक्टर्स को मॉरल और रिलीजियस मीनिंग्स कन्वे करने के लिए यूज किया गया है। देन कम्स द एलुजन, सिंपली अ रेफरेंस, अ हिस्टोरिकल रेफरेंस और अ रेफरेंस समथिंग दैट इज आउटसाइड द टेक्स्ट। An allusion is a reference or something outside of the present context. जिस context में आप पढ़ रहे हैं, जिस context में writer लिख रहा है, उससे बाहर का कोई भी reference जो है ये allusion कहलाता है। The author makes an indirect reference to a figure, to a place, to an event or idea originating from outside the text. के वो text के बाहर से किसी चीज की तरफ refer कर रहा होता है। It's a brief and indirect reference to a person, place, thing, idea, historical, cultural, literary or political significance. वो रेफरेंस, वो आइडिया, वो allusion कोई भी हो सकता है, किसी भी aspect of life में से हो सकता है। Examples: Do not be so smart. It is not like you are a Newton or something. अब ये जिस भी context में बात हो रही है, यहाँ पे ये Newton का जो reference है, ये एक allusion है। Then comes anaphora. Anaphora is a rhetorical device that consists of repeating a sequence of words. बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ये याद रखें कि जब हम बात करते हैं figures of speech की, तो यहाँ पे ये एक repeating of words है। कहाँ पे? At the beginning or neighboring clauses. Sentences के शुरू में या नज़दीक नज़दीक के जो sentences और clauses होंगे उनमें ये वर्ड्स को या सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं और इसका पर्पस क्या है? द एम्फेसिस, स्ट्रेस देने के लिए।
इट फीचर्स द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस। हमने पहले ही बात की, ठीक है। और इसका पर्पज क्या है? टू एम्फसाइज एंड री इन्फोर्स द मीनिंग्स। ये मीनिंग्स को एम्फसाइज करने के लिए और री इन्फोर्स करने के लिए यूज होता है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेक्स्ट। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम एंड इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द एपक ऑफ इनक्रेडुलिटी, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। ये टेल ऑफ टू सिटीज बहुत मशहूर नावल है चार्ल्स डिकन्स का, उसकी ये बिगनिंग पैराग्राफ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट वॉज की रेपिटेशन आ रही है, और डेफिनेटली ये रेपिटेशन जो है ये राइटर किसी खास पर्पज के लिए यूज करें। सो दिस इज एन एनाफोरा। एलिट्रेशन पोएट्री में ज्यादा यूज होती है। रेपिटेशन ऑफ सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, आपने ये याद रखना है कि डेफिनेटली रेपिटेशन तो है ही सही, कौन सी साउंड की? फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन को एलिट्रेशन कहते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। व्हेन वील्स इन व्हील्स, ठीक है, ये यहाँ पे डब्ल्यू साउंड जो है ये रिपीट हो रही है। शूट लॉन्ग एंड लवली एंड लश, लॉ लॉ लॉ। सो एलिट्रेशन जो है ये रेपिटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है। स्टेयर फॉर द सेक ऑफ द सोल ऑफ द स्लेन बर्ड सेलिंग, स साउंड जो है रिपीटेड है। यू कैन सी ओवर हियर, एक ही सेंटेंस में फाइव स साउंड रिपीट हुई है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहाँ पे डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है, यू माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड इट। Hold to the west wind. Coca-Cola can cure nothing. You can have the three C's repeated over here. The great gift of God is goodness to the grieved. G sound जो है ये, G sound, ये repeat हुई चली जा रही है. So alliteration करता क्या है? It basically creates musical effects on the text. It makes reading and recitation of the poem attractive and appealing. इसे याद भी चीजें आसानी से होती हैं। It makes the things easier to learn by heart. Flow and beauty is also one of the purpose of the alliteration. So ये alliteration थी। Next one is assonance. Assonance is also the repetition of the sound. लेकिन ये कौन सी sound है? The vowel sound and the neighboring words. ये beginning कोई जरूरी नहीं है। वाउल साउंड जब रिपीट होगी तो हम ये कहेंगे कि ये एजोनेंस है। दिस हैव अ लुक एट हियर, वी लाइट फायर ऑन द हाई माउंटेन। यहाँ पे ये आई साउंड जो है ये रिपीट हुई है। सो लाइट फायर हाई, दिस इज द एजोनेंस। आई फील डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस व्हेन नॉट वेल, ए साउंड शॉर्ट ए साउंड, डिप्रेस्ड रेस्टलेस व्हेन वेल, assonance. We slow and low go and mow the lawn. Johnny went here and there and everywhere. Then comes another sort of repetition, the consonants. ये भी repetition है, और repetition किस चीज की है? Consonant sounds की। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, consonants and the consonants. Okay? लेकिन यहाँ पे repetition पिछली repetition की निस्बत, alliteration की निस्बत कहाँ पे है? फाइनल कंसोनेंट लेटर पे, एंड पे आ रही है, शुरू में नहीं। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। फर्स्ट एंड द लास्ट, द टा साउंड एट द एंड इज रिपीटेड। ऑड्स एंड द एंड्स, शॉर्ट शॉर्ट एंड स्वीट। हियर स्ट्रोक ऑफ लक, का साउंड एज अ होल, ये के ई को नहीं समझना के की है। का साउंड स्ट्रोक लक रिपीट हो रहा है। देन कम्स द अनोमेटोपिया। अनोमेटोपिया इज अ वर्ड विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग। एक ऐसी चीज की आवाज जो उसके साथ नेचुरली रिलेट करती है, जब उसकी बात एक वर्ड करे तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये अनोमेटोपिया। It creates a sound effect that mimics the thing described, making the description more expressive and interesting.
जिस चीज की आवाज है उस आवाज को सुन के ही आपको उस चीज का कंसेप्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे बजिंग, बजिंग ये बज साउंड है, ये बिन बिनाहट की आवाज है। सैक फेल इन टू द रिवर विद स्प्लैश, इंग्लिश में स्प्लैश, उर्दू में शराब की आवाज, वो शराब बजाते खुद ही उस एक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑनोमेटोपे, जैसे हिसिंग है, हिसिंग साए साए की आवाज, वर्ड से ही हमें साउंड का कॉन्सेप्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड ऑनोमेटोपिया। द बुक्स फेल ऑन द टेबल विद अ लाउड थंप, थंप जो है दिस इज ऑल्सो द साउंड ऑफ समथिंग सॉलिड फॉलिंग ऑन समथिंग अदर सॉलिड थंप। He looked at the roaring, the rustling, खड़खड़ाहट, तो ये onomatopoeia है, the representation, the imitation of the natural sounds of the things. Then comes the simile. A simile compares one thing with an other thing by using the words like or as. ये simply एक comparison है जिसमें दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, किस चीज के साथ, बाय द वर्ड्स लाइक आर एज, लाइक और एज के इस्तेमाल के साथ चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट आइडिया कैरेक्टर एक्शन समथिंग लाइक दैट इज कंपेयर्ड टू अनदर थिंग। जस्ट हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल, ब्रेवरी के लिए हम अपने सोल्जर्स को कंपेयर करते हैं, आवर सोल्जर्स आर एज ब्रेव एज Lions. So, soldiers जो हैं, उनको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? Lions के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और हमने वर्ड जो है साथ में as यूज किया। His cheeks are like red rose. Beauty of the cheeks जो है, उसको हम beauty of the rose के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और वर्ड हमने साथ में यूज किया है like. He is as funny as a monkey. The water well was as dry as a bone. तो ये हमारी एवरीडे लाइफ में सिमिलीज बहुत यूज होती हैं, हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। इज एज कनिंग एज अ फॉक्स, क्लेवरनेस को, शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है। द सेकंड रिलेटेड थिंग इज मेटाफर, ये सिमिली के साथ मिलती जुलती है। अ मेटाफर कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर थिंग बाय सेइंग दैट वन थिंग इज डायरेक्टली अनदर थिंग। यहाँ पे हम एज या लाइक को यूज नहीं करते हैं, ये फलां चीज फलां के जैसी है, नो के जैसी वाला कंपैरिजन हम यहाँ यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम डायरेक्टली कह देते हैं कि एक चीज क्या है वो दूसरी है, हम डायरेक्ट ही उसको दूसरी चीज का नाम दे देते हैं। इट इज एन इम्प्लिसिट इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड बट विच शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, ये दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में रिलेट कर देते हैं, अगरचे उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर मौजूद होते हैं। When you portray a person, place, thing or action as being something else, even though it is not actually that something else you are speaking metaphorically. कि जब आप किसी एक चीज को किसी और चीज का कह देते हैं, अगरचे आपको पता है कि वो चीज वो नहीं है, तो वो आपको जो something else है वो आपका metaphorical language है। Just have a look at this example. He is the black sheep of the family. अब ये ब्लैक शीप जो है ये मेटाफोरिकल सेंस में यूज किया गया। द असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज, असाइनमेंट कैसी थी, ब्रीज जैसी नहीं थी, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि असाइनमेंट क्या थी, वो ब्रीज थी। अब देखें सिमिलैरिटी असाइनमेंट और ब्रीज में क्या होगी, कि असाइनमेंट को ब्रीज कहा गया। माई मदर वॉज बॉयलिंग मैट। Now just have a look at this example, boiling mad. उससे को represent किया गया, ठीक है? तो ये नहीं कहा गया कि my mother was just like something boiling, बल्कि वो direct ही उसे boiling mad ही कह दिया गया है। The personification. Personification involves giving non-human inanimate object the quality of a person. ये personify से निकला है personification. कि कोई चीज है वो पर्सन नहीं है, वो नॉन पर्सन है, और आप उसको पर्सन बना रहे हैं, उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन। अ थिंग एन आइडिया और एन एनिमल इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट। कोई चीज हो सकती है जो नॉन ह्यूमन है,
और आप उसे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसको ह्यूमन बना देते हैं. द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेड इन सच अ वे दैट वी फील दैट दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग. क्योंकि हम उन्हें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, लिहाजा हम उस वक्त ये फील कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों के पास ह्यूमन क्वालिटीज आ गई, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आ गए. जस्ट हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल. द विंड विस्पर्ड थ्रू ड्राई ग्रास. अब हवा का चलना, उसका सरसराना, पौधों पत्तों घास में से आवाज़ देना, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल. लेकिन हमने यहाँ पे क्या उसको कर दिया, हमने विस्परिंग की क्वालिटी उसको दे दी, जस्ट रिप्रेजेंटिंग द पर्सोनिफिकेशन. द टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, बहुत कॉमन सेंटेंस है. लेकिन ये जो वेट करना है ये टिपिकली ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन यहाँ हमारे लिए कौन वेट करे, टाइम और टाइट. द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट. आग ने पूरे जंगल को जला दिया होगा, लेकिन ये जो निगलने वाला वर्ड है, स्वेलो करना जो है, ये ह्यूमन क्वालिटी है, पर्सोनिफिकेशन. द शेडो ऑफ द मून डांस्ड ऑन द लेक. डेफिनेटली बड़ा खूबसूरत मंजर होगा, लेकिन ये जो डांसिंग का एलिमेंट है ये पर्सोनिफिकेशन है कि शेडो डांस कर रहा था. द फ्लड रेक्ड ओवर द एंटायर विलेज. जी बिल्कुल, यहाँ पे रेक जो है ये पर्सोनिफिकेशन. हाइपरबोले. हाइपरबोले इज एन एग्जैजरेशन ऑफ द ट्रूथ इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इफेक्ट. बात को एग्जैजरेट कर देना, एग्जैजरेशन से भी बहुत आगे ले जाना, किस पर्पज के लिए, टू क्रिएट एन इफेक्ट, इफेक्ट क्रिएट करने के. Sometimes that is done in a single statement, or times it can happen with repetition. Hyperbole, single sentence, word या statement भी हो सकती है और repetition से भी हो सकती है. It is a device that we employ in our day-to-day life. ये हम अपनी everyday life में बहुत use कर रहे होते हैं, जगह जगह पर हम इसको use कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पर, it has been ages since I last saw you. भाई मुद्दतें हो गई, सदियाँ गुजर गई तुम्हें देखे हो, ठीक है. So ages, this is a hyperbole. Your suitcase weighs a ton. जनाब आपका सूटकेस तो मनो भारी है. ये मन या टन जो है, this is the exaggeration, more than exaggeration, the hyperbole. She is as heavy as an elephant. Another example of hyperbole. अगर चाहिए यहाँ पे हम simile भी देख सकते हैं, as heavy as an elephant, तो ये hyperbole है, किसी को elephant के जितना heavy है. The blacksmith's hand was harder than the rock. तो आग बजाते खुद बहुत हार्ड एलिमेंट है और आपने हाथ को रॉक जैसा हार्ड कह दिया. Definitely that is a hyperbole. The understatement. Understatement hyperbole के opposite है. The writer deliberately chooses to downplay the significance of or seriousness of a situation or an event. अगर एग्जैजरेशन में हद से ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो अंडरस्टेटमेंट में एक्चुअल से भी बहुत पीछे चला जाता है राइटर. और ये क्यों होता है, टू मेक अ सिचुएशन लेस इम्पॉर्टेंट देन इट इज रियली. लाइक डेजर्ट्स आर समटाइम्स हॉट ड्राई एंड सैंडी. ठीक है, हालांकि डेजर्ट्स हमेशा ही हॉट होते हैं, हमेशा ड्राई और हमेशा सैंडी होते हैं, लेकिन राइटर ने उसको क्या कर दिया, अंडरस्टेटमेंट का यूज़ कर दिया. Aunt Sally, good gracious, anybody hurt? Huck. No ma'am, killed a nigger. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने किसी के हर्ट का पूछा है, तो उन्होंने किलिंग ऑफ अ निगर को बहुत लाइट वे में हक ने बयान किया है, जैसे कि किलिंग ऑफ अ निगर तो कोई इवेंट ही नहीं है. सो वी कैन सी दैट दिस इज ऑल ओवर द अंडरस्टैंडिंग. इमेजरी. Imagery means to use figurative language to represent objects, actions, and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. Image होता है ना, image. An image is a thing that we can feel with our senses. जिस चीज को हम अपनी five senses में से किसी एक sense के साथ feel कर सकें, उसे हम image का नाम देते हैं. तो imagery क्या है? Imagery ये है कि ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करना कि वो आपके नॉन फिजिकल चीज़ों को भी यूं रिप्रेजेंट करे कि जैसे वो आपके सामने फिजिकली मौजूद हो, इमेजेस की शक्ल में पेश करो.
Imagery makes use of particular words that create visual representation of ideas in our mind. कि राइटर यूं चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जैसे हमारे माइंड में एक उनका इमेज बन जाता है, विजुअल इमेज हमारे माइंड में चीजों का बन जाता है. द वर्ड इमेजरी इज एसोसिएटेड विद मेंटल पिक्चर्स, कि ये हमारी मेंटल पिक्चर्स के साथ एसोसिएटेड है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. इट वाज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट. किसी कॉन्टेक्स्ट में राइटर जब ये बात करते हैं तो हमारे माइंड में डार्कनेस और डिमनेस का इमेज आता है कि फॉरेस्ट में वो कैसी होगी. द गर्ल रैन हर हैंड्स ऑन अ सॉफ्ट सैटन फैब्रिक. सॉफ्ट भी है और सैटन का है और फैब्रिक है और उसके ऊपर गर्ल के हैंड्स जो हैं वो रन कर रहे हैं. लाइक आवर माइंड स्टार्ट्स क्रिएटिंग इमेजेस. अगर आप ओटो नाइटिंगेल पढ़ें वो बहुत सारे इमेजेस से भरा हुआ है. उसमें किड्स ने बहुत बहुत खूबसूरती से इमेजेस यूज किए. द आयरनी बहुत मजे का फिगर ऑफ स्पीच है. वर्ड्स यूज इन सच अ वे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग्स. आप जो कह रहे हैं वो कुछ और है और जो रियलिटी है वो कुछ और है. The situation ends in quite different way than what is generally anticipated. ये ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ एंटिसिपेट को एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और उसका अख्ताम बहुत डिफरेंट हुआ है. दैट इज ऑल्सो irony. इन सिंपल वर्ड्स इट इज डिफरेंस बिटवीन अपियरेंस एंड रियलिटी. आप इन दो वर्ड्स को माइंड में रखें. ठीक है, अपियरेंस कुछ और है, रियलिटी कुछ और है और आप उसको रिप्रेजेंट करें तो आप क्या करें, यू आर सेइंग द थिंग ironically. ये बिल्कुल ऐसे ही आप किसी बहुत बेचारे स्मार्ट से बंदे को, एक्स्ट्रा स्मार्ट आदमी को कह दें आओ जी पहलवान साहिब. ठीक है, वो तो बेचारा पहले ही सेहत से अपने हाथ तंग लेके फिरे और आप उसको पहलवान कह रहे हैं. ठीक है, तो अपीयरेंस उसकी जो है वो बहुत वीक है और आप उसको कह क्या रहे हैं, पहलवान कह रहे हैं. यू आर टॉकिंग आयरोनिकली. द बटर इज एज सॉफ्ट एज अ स्लैब ऑफ मार्बल. देखें बटर है वो बेचारा है ही सॉफ्ट और आप उसे क्या कह रहे हैं, आप उसे स्लैब ऑफ मार्बल कह रहे हैं. हाउ आयरोनिकल. योर हैंड इज एज सॉफ्ट एज अ रॉक. डेफिनेटली कोई भी हाथ रॉक तो नहीं होता लेकिन आप उसमें किसी एलिमेंट की वजह से आप उसे रॉक कह रहे हैं. आयरोनिकल सिचुएशन. सो दिस वॉज सम ऑफ द बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच दैट वी यूज इन आवर बेसिक रीडिंग्स, बेसिक राइटिंग्स. इंशाल्लाह हमारा अगला जो लेक्चर है वो इससे कुछ और जो फिगर्स ऑफ स्पीच रह गए उन पे होगा. थैंक यू वेरी मच. विश यू गुड लक. अल्लाह हाफिज़.